हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैन क्रिएटिव ब्लॉग चैनल। सो फ्रेंड्स, हम होली स्पेशल में लेके आ गए हैं एक और रेसिपी, दही वड़ा रेसिपी। होली फेस्टिवल दही वड़े के बिना बिल्कुल अधूरी सी है। फ्रेंड्स, मैं सारे इम्पोर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम हाफ के जी उड़द का दाल ओवर नाइट के लिए भिगो के रख देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पानी को छान के अलग करके उड़द दाल को ग्राइंड कर लेंगे। हमने यहाँ ग्राइंडर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसे हुए दाल को हम एक बोल में निकाल लेंगे। दो हरी मिर्च चॉप कर लेंगे और एक चम्मच चॉप किया हुआ जिंजर ले लेंगे। अब हम ये चॉप किया हुआ मिर्च और जिंजर और एक टेबल स्पून नमक पीसे हुए उड़द दाल में मिक्स कर लेंगे। अब हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे। हमने यहाँ मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है, आप जो ऑयल खाते हैं आप उसका इस्तेमाल कीजिए। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक आइए हम दही तैयार कर लेते हैं। हमने हाफ के जी दही ले लिया है। अब हम दो बड़े चम्मच से दही निकाल के एक बड़े से बर्तन में रखेंगे और उसे अच्छे तरीके से बीट करेंगे। अब हम 2 मिलीलीटर वाटर इस दही में ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। कुछ लोग दही का नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्टली वड़ा को पानी में डाल देते हैं ताकि वो फूल जाए और तब वो लास्ट में दही ऐड करते हैं। बट आप जब इस प्रोसेस के साथ दही प्रिपेयर कीजिएगा और इसमें वड़ा डालिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से फूलता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। वड़ा को बनाने से पहले हम हाथों में थोड़ा पानी लगा लेंगे ताकि उड़द दाल हाथ में चिपके नहीं, और इस तरह से आप शेप बना लें वड़ा का और उसे गर्म ऑयल में छान लें। इसी तरीके से हम और वड़ा बना लेंगे। वड़ा को हम करीब 2 से 3 मिनट तक गर्म ऑयल में पकने देंगे। आप बीच बीच में इसका साइड्स टर्न करते रहिए। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। जब आपका वड़ा इस तरीके के कलर में आ जाए तो इस मोमेंट पे हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप और वड़ा बना लीजिए। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे दही वाले पानी में डिप कर देंगे। अब हम एक एक करके सारे वड़े को इस दही वाले पानी में डालेंगे। आप मेक श्योर कर लेना कि आपका सारा वड़ा इस मिक्सचर में अच्छे तरीके से डूब जाए। अब हम वड़े को इस पानी वाले मिक्सचर के साथ ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये दही वड़े के अंदर तक जाए और ये वड़ा फूल जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि वड़ा बिल्कुल फूल गया है। आइए अब हम दही वड़े को सर्व करते हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा दही ले लेंगे और ये हमारा इमली का चटनी। इसके रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ आप चेक कर लेना। साथ ही हम कुछ मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि काला नमक, मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। अब हम दही वड़े को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे दही। आप 1 चम्मच दही का इस्तेमाल कर सकते हैं एक वड़े के लिए। अब हम हर दही वड़े के ऊपर डालेंगे 1 चम्मच इमली की चटनी।
फ्रेंड्स, ये इमली की चटनी मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप अपने दही वड़े का टेस्ट दुगुना कर सकते हैं। अब आप मसाले स्प्रिंकल कर लीजिए। 2 पिंच आप ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिए, 2 पिंच आप जीरा पाउडर डाल दीजिए। मिर्ची पाउडर तीखी होती है, इसलिए आप 1 पिंच का इस्तेमाल कीजिए, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि ये दही वड़ा देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है एंड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप लोग होली में इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स के थ्रू हमसे ज़रूर शेयर कीजिए अपना होली का एक्सपीरियंस। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।